तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्स आर इन रेशियो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्स आर इन रेशियो 3:5। अगर अपने पास दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 3:5 है, मतलब F1/F2 की वैल्यू 3/5 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं 3 भी x लिख सकता हूँ, 5x भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर F1 की वैल्यू 3x है तो जो F2 की वैल्यू है वो 5x है, ठीक है ना। तो अब कहता है एंगल बिटवीन देम 60 है, मतलब दो फोर्स है और ये 3x का है और ये 5x का, और इनके बीच का एंगल 60 है, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं जा रहा होगा बच्चों, ये वाली रिजल्टेंट आर कहीं जा रहा होगा। तो आर भी इसमें दिया है 35 न्यूटन, ठीक ना। और देयर मैग्नीट्यूड, मतलब F1 F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F1 F2 की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे x की वैल्यू पता हो बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो रिजल्टेंट वाला फार्मूला यहाँ लगा देता हूँ। रिजल्टेंट वाला फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos θ, ठीक ना। यहाँ पे तो इसका मतलब आर, यहाँ से आर जो है वो 35 का होल स्क्वायर रूट को हटा दिया, होल स्क्वायर कर दिया, मतलब 3x का होल स्क्वायर F1 + F2, 5x का, यहाँ से 5x का होल स्क्वायर +2 3x 5x, और यहाँ से cos 60। इसी को सॉल्व करके x निकाल लोगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा देखो x² आ जाएगा, 3x का ये आ जाएगा 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 9x² + 25x² यहाँ से, और प्लस ये आ जाएगा 15x², क्योंकि ये आ जाएगा cos 60, cos 60 sin 31/2, तो 1/2 1/2 यहाँ से कट गया, और ये इधर आ जाएगा 35, या इसको अंडर रूट ही रहने दो क्योंकि ये के स्क्वायर का टर्म बन रहा है, तो 35, और ये आ जाएगा 49x² अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 7x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, तो अगर x की वैल्यू आ जाए तो F1 आ जाएगा 3 times x, मतलब 5, और ये आ जाएगा 15, और जो F2 आ जाएगा इसका 5 times x है, तो 5 × 5 दैट इज 25 न्यूटन। तो ये 15 और ये 15 और 25 का रेशियो बनेगा, मतलब अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।